हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल खुशी लेडीज टेलर। एंड आज आपको बताएंगे कि पटियाला की कटिंग कैसे की जाती है। फुल पटियाला नहीं है, चूड़ीदार पटियाला भी नहीं है, ये 2 मीटर का है। एंड ये जो सूट में जो पटियाला मिलता है उसका कपड़ा है, ये कॉटन क्लॉथ है एंड 2 मीटर का है। ये आप वीडियो में देख सकते हैं, फुल वीडियो में। एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सब मतलब हमारा सारा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका वीडियो समझ में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम सबसे पहले हम कपड़ा 2 मीटर है, इसको डबल फोल्ड में हम करेंगे। तो देखिए हम डबल फोल्ड में पहले से कर चुके हैं। उसके बाद फिर से लंबाई हिस्सा यानी चौड़ाई लंबाई हिस्सा में ही देखिए चौड़ाई हिस्सा में पहले डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम लंबाई जिस तरह पेटीकोट का कपड़ा मोड़ते हैं सेम इसी तरह हम यहाँ फोल्ड करेंगे। तो देखिए यानी 4 फोल्ड करेंगे, चौड़ लंबाई हिस्सा में करेंगे। देखिए तो 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग हैं, 4 फोल्ड कर लिए हैं। और ये बंद भाग इधर से और ये बंद भाग हम अपने ओर रखेंगे, ये खुला भाग और ये खुला भाग हम इस साइड रखेंगे यानी पॉजिटिव साइड रखेंगे। तो ये 2 मीटर का पटियाला है, इसकी पूरी लेंथ हम नाप लेंगे। ये हमारा 36 पर है और हमको 40 इंच का बनाना है। और इसमें हम 36 है, कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे और मोहरी इसमें से 36 है प्लस इसमें से 2 33 इंच होगा और यहाँ से 1/2 इंच और एक इधर से फिर 1 इंच हमारा मुड़ा जाएगा कमर पट्टी के लिए। ये देखिए, सॉरी गलती हो गया, ये हमारा मोहरी के लिए मुड़ा जाएगा इतना, ये हमारा मोहरी के लिए है। बाकी हम कट करेंगे इस जगह से, जो मेरा मार्जिन का चिन्ह होगा इस जगह से कट करेंगे। तो देखिए हम मोहरी के लिए 9 इंच लेंगे, 9 इंच ले लिए हैं। अब देखिए इस जगह से इस आपको बंद भाग से नीचे की ओर ये हमारा म्यानी का चिन्ह होगा, तो म्यानी के लिए हम 15 इंच लेंगे और इस जगह से हम मिलान कर देंगे ऐसे करके। ये साधारण पटियाला है 2 मीटर में, इसको बनाने में ज्यादा तुल नहीं है। अगर जो नहीं जानता है, नया नया आदमी है और सिलाई ज्यादा लगती है, तो मेरा चैनल के माध्यम से देख के आप 2 मीटर में पटियाला कट कर सुने जाने। ये मेरा इतना, तो इसको देखिए हम डायरेक्ट इस तरह कट कर देंगे। एंड इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट है पार्ट 1, दूसरा पार्ट है पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 में कटिंग हो रही है, पार्ट 2 में स्टिचिंग होगी। तो हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वाला पार्ट हम कट कर दिए हैं, अब इस पार्ट को हम खोल लेंगे। इसमें मेरा कमर पट्टी ज्वाइंट होगा, तो पहले हम म्यानी लगाएंगे, उसके बाद हम चून देंगे, तब कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो पार्ट 1 में हम आपको कटिंग करने बता रहे हैं। तो देखिए मेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। आप देख सकते हैं हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं। अब हम ये जो यहां से यहां तक की 15 इंच मोहरी म्यानी के लिए जो लिए हैं, आप देख सकते हैं हम 15 इंच जो म्यानी लिए हुए हैं, तो देखिए उसमें हम जो कमर पर इसमें हम जो म्यानी कट किए थे, इसमें 15 इंच म्यानी जो कट किए हैं, इस जगह हम 15 इंच लेंगे इस 4 फोल्ड में। ये मेरा 4 फोल्ड है, तो हम 4 फोल्ड को बराबर बराबर भाग में रख लेंगे ताकि हमारा इस बीच ना हो सके। ये आप देखिए 15 इंच हम म्यानी के लिए ले लिए हैं, जो यहां पर हमारा ज्वाइंट होगा ये भाग,
आप देख सकते हैं ये भाग मेरा ज्वाइंट होगा। अब इस जगह से हम 6 इंच पर हम ले लेंगे और इस जगह हम 11 इंच पर हम इस तरह करेंगे और यहाँ से हम मिलान कर देंगे और इस जगह से हम 15 इंच जो लिए हैं यहाँ इस तरह करके हम कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये 4 फोल्ड है जो इसमें 4 भाग है, चारों भाग में एक एक ज्वाइंट होगा और ये बीच का पार्ट है ये मेरा साइड में ज्वाइंट होगा। देख सकते हैं इस तरह करके हम इसमें डबल डबल पार्ट है मेरा, तो पहले हम इसको बीचों बीच ज्वाइंट कर लेंगे और ये जो मेरा 15 इंच है इसमें एक एक पार्ट हम 4 पार्ट है तो एक पार्ट इसमें ज्वाइंट करेंगे और एक पार्ट इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर इसमें से एक पार्ट इसमें ज्वाइंट कर लेंगे बीचों बीच और फिर इधर से 15 पन इसमें चारों पार्ट को ज्वाइंट कर देंगे। तो इसी तरह ये मेरा पार्ट टू ज्वाइंट होगा। उसके बाद मेरा जो सूट का कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम कमर पट्टी निकालेंगे। तो पहले देखिए ये मेरा जो सूट का कपड़ा बचा हुआ है हम इसमें से ही कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे। पहले बीच की नाप लेते हैं कितनी इंच है, 6.5 पर है, यहाँ भी वही भाग लगाएंगे निशान और इस जगह भी हम यही निशान लगाएंगे। तो इस तरह करके हम स्केल के माध्यम से हम सीधा लाइन पार लेंगे और इसको बाद हम कट कर देंगे। देखिए तो ये इसमें थोड़ा कमर पट्टी मेरा छोटा पड़ रहा है तो ये इस भाग को हम ज्वाइंट कर लेंगे, इस जगह पर हम ज्वाइंट कर लेंगे और देखिए इतना पर मेरा कमर पट्टी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह करके हम ज्वाइंट करेंगे भाग को और इस तरह में हम कमर पट्टी इतना निकाल लेंगे और कमर पट्टी हमारा ये 22 इंच पर मेरा 22 दूनी 44 इंच है यानी 22 इंच काटेंगे। तो 22 इंच हम देखिए लिए हैं और 1/2 इंच हम मार्जिन 1 इंच हम कपड़ा को मार्जिन के लिए है ताकि दोनों ओर से मेरा कपड़ा मार्जिन हो सके। 1/2 इंच उधर होगा और 1/2 इंच साइड में होगा इसलिए हम 23 इंच लिए हैं। उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे। ये देखिए मेरा कमर पट्टी कट हो गया है। उसके बाद हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा को चौड़ा वाला कपड़ा को हम डोरी निकाल लेंगे। तो बताइए अगर मेरा पटियाला कटिंग करना कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई डाउट है तो उसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम ये समझ में नहीं आया है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ कोई और भी हमारा वीडियो देख करके हमारे चैनल के माध्यम से वो कुछ सीख पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।